पिछले हफ्ते किसान नेता राकेश टिकैत अते उसके परिवार नूं एक धमकी आई सी कि जे किसान अंदोलन तो दूर ना हटिया तो उसनों परिवार समेत बंब नाल उड़ा दिता जाएगा। इस संबंधी उसके परिवार वालों पुलिस नूं सूचना दे दित्ती गई सी। पुलिस वालों इस मामले जांच करते हुए एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया है। तो उसने पुलिस नूं दस्सिया कि जो कि दिल्ली का व्यक्ति है कि उस शराब के नशे विच जो कि ज़्यादा नशे हो गया सी उस वालों ये वीडियो राही तो उसनों कॉल कर दिती गई सी रिकैश टिकैत नूं कि उसके परिवार नूं बंब नाल उड़ा दिता जाएगा। इस संबंधी पुलिस वालों गिरफ्तार किए व्यक्ति नूं अदालत विच पेश किया गया और तुहानूं सुणांदे हां इस संबंधी उत्तर प्रदेश की पुलिस इस संबंधी की जानकारी दे रही है ते की कारण सी उस वालों रिकैश टिकैत दे परिवार नूं धमकियां देण दा मामला सारा सच आ गया है और तुहानूं दिखांदे हां। मार्च 2023 को श्री गौरव चौधरी द्वारा भौराकला थाने में एक लिखित तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि फोन पर किसी व्यक्ति ने उनके लिए जान से मारने की धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। भौराकला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल के उपरांत आज दिनांक 11 मार्च 2023 को इसमें एक अभियुक्त विशाल पुत्र देवा सिंह जो कि दिल्ली का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया है। जांच पड़ताल में और गहनता से पूछताछ के बाद ये तथ्य सामने आए हैं कि अभियुक्त ने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया था। उसके बाद उसके द्वारा श्री गौरव चौधरी को फोन करके इस तरह का काम किया गया। अभियुक्त हिरासत में है और उसका विधिक कार्रवाई जारी है।